उधर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का चुनावी जनसंपर्क अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में वो आज विराटनगर और कोटपूतली के दौरे पर रहे और यहां उन्होंने जनसंपर्क करते हुए लोगों से मत और समर्थन मांगा। विराटनगर में उन्होंने टूटी पुलिया का निरीक्षण किया तो वहीं कोटपूतली में राजकीय बीडीएम अस्पताल में मरीजों की कुशलक्षेम पूछी। राठौड़ ने बीडीएम अस्पताल में पिकअप सड़क हादसे के घायलों के हालचाल भी जाने और सड़क हादसे के घायलों और मृतकों के परिजनों से कुशलक्षेम पूछी और घायलों के इलाज के लिए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं राठौड़ ने बीडीएम अस्पताल को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि एक सड़क हादसे में पिकअप का टायर फटने से गाड़ी पलट गई थी, जिससे पिकअप सवार 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 2 दर्जन लोग इसमें जख्मी हो गए थे। एक ही परिवार, एक ही गाँव से ये सभी थे और अपने परिवार में जा रहे थे और ये बहुत दुखद हादसा हुआ। सुनने में आया कि टायर पंक्चर हुआ और उससे गाड़ी पलटी और पीछे जो ट्रक आ रहा था उस ट्रक ने टक्कर मार दी। मैं भी देख कर आ रहा हूँ, सभी को, सभी डॉक्टर्स उसके ऊपर मरीजों में सब काम कर रहे हैं और 5 को रेफर करा गया है अभी SMS अस्पताल, बाकियों का यहीं इलाज चल रहा है।